मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए जीत ग्राफिक को और इस बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आज नया टॉपिक के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ 19 में लोगो आइकन डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कंट्रोल एम भी प्रेस करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो भी तो यहाँ पे लोगो आइकन डाल देंगे सेम ओके देखिए इसको ओके कर दिए। इस तरीके से हमारा आ गया है। अब हम फ्रेंड इसमें एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल बनाएंगे। F6 भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से और ये चारों तरफ से हमारा बराबर है, यहाँ देख सकते हो। अब हम यहाँ पे 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे और फिर इसको सिलेक्ट करके हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको एक कट है और इसको जीरो कर देंगे। इस तरीके से हमारा जीरो होना चाहिए। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और देख सकते हो कंट्रोल्स, ठीक है। इसमें दो लेंगे, ये ठीक है। अब हम इसको यहां से जाएंगे ऑब्जेक्ट ब्रेक, ठीक है, और यहां से अनग्रुप ऑल कर देंगे और फिर यहां से हम ऐड कर देंगे और फिर हम यहां से जाएंगे कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑब्जेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट क्यू भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा और फिर यहां से ये आउटलाइन ले लेंगे और इसमें फिल कर देंगे वाइट और फिर हम इसको लेके आएंगे यहां पे प्लस प्रेस करेंगे या कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, और फिर इसमें हम रेड कलर फिल कर देंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे इस तरीके से और फिर यहाँ से और मैच कर लेंगे। ये ठीक है। और इसमें जो व्हाइट कलर है इसको नन कर देंगे यहाँ से, जिससे हमारा यहाँ पे आर पार दोनों दिखेगा। और फिर हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे, देख सकते हो स्मार्ट फिल टूल, ठीक है, और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको वन बाय वन करते हुए इसको यहाँ से। इस चीज़ को बहुत गौर से आप लोग ध्यान देंगे नहीं तो फिर ये ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा। फिर इस पर और फिर इसमें क्लिक करेंगे और वन बाई वन 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 इस तरीके से हमारा बन गया है। और ये जो रेड दिख रहा है इसको सिलेक्ट करके हटा देंगे इस तरीके से और ये जो ब्लैक भी दिख रहा है इसको भी इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। और इसमें भी एक और बस्ता इसको कट करके इसको भी डिलीट कर देंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हो बेल्ट टूल, बेल्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा और इसमें ये फिल करते हैं और ये जो आउटलाइन है इसको नन कर देंगे तो इस तरीके से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको 45 पे इस तरीके से ले लेंगे और इसमें कोई अभी फिलहाल हम रेड करते हैं, ठीक है। और यहाँ सेट दिखाने के लिए एक हम पेन टूल से बनाते हैं बॉक्स यहाँ से, सॉरी यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ और फिर इसमें हम ब्लैक फिल कर देंगे आउटलाइन करके और इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। अब हम ये देख सकते हो ट्रांसपेरेंट टूल को यूज करेंगे इस तरीके से, बस बस बस। और इसको फिर यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट पावर क्लिप पेस्ट, ठीक है। और फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी बनाएंगे सेम, इसको इस तरीके से और फिर इसमें भी ब्लैक कलर फिल कर देंगे, आउटलाइन ऑन कर देंगे और सेम उसी की तरह इसको भी ट्रांसपेरेंट
इसको भी हम यहाँ से चिपका देंगे बस। और फिर यहाँ से क्लिक कर देंगे, ये इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एड पर्सपेक्टिव क्लिक करेंगे, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा छिड़ गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और फिर हम इसको सिलेक्ट करके इस पे हम इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, और सेम इसको भी ठीक है और फिनिश कर देंगे जो इस तरीके से आ रहा है, इसको छोटा करेंगे और फिर इसमें ग्रेडियंट फिल करेंगे। यहाँ जाएंगे, ये देख सकते हैं इंटरेक्टिव, देख सकते हैं। और फिर बैकग्राउंड में कुछ फिल करते हैं इस तरीके से। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए